नमस्कार ib9.live में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन कुमार। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले सुनील चोपड़ा इस बार लंदन में डिप्टी मेयर के चुनाव में चयनित हुए हैं। मिस्टर सुनील चोपड़ा जी को ib9.live की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मिस्टर सुनील चोपड़ा जी के लंदन में डिप्टी मेयर बनने पर NRI की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। डीके त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। डीके त्यागी जी, एक बार फिर से सुनील चोपड़ा जी को लंदन का डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इनके बारे में सर आपको डिटेल्स बताने का। मैं तो ये चाहता हूँ, जब से मैं लंदन में हूँ तो मैं तो चाहता हूँ, मैं तो सुनील चोपड़ा जी को मेरे लिए तो हमेशा वो मेयर रहे हैं और मेयर रहेंगे। और अभी भी वो पहले काउंसलर थे, फिर मेयर बने सदस्य से। और रोशन जी, जहाँ से सुनील चोपड़ा जी मेयर चुन के आते हैं, वो ब्रिटिश लोगों का एरिया है, जो कहते हैं कि हम जिन्हें कहते हैं गोरे, तो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश पॉपुलेशन है वहाँ पर, जो एशियन कम्युनिटी नहीं है वहाँ पर। ओनली 4 या 5% एशियन है और 95% वहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते हैं सदक के अंदर। तो जहाँ से वो मेयर चुनती है, ये सबसे बड़ा जो हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश का नाम है, हमारे भारत का नाम है, एक हिंदुस्तानी जो सुनील चोपड़ा जी जो वहाँ से मेयर बनते हैं, जो वहाँ के ब्रिटिश लोग उनको वोट देते हैं, तो सर कोई ना कोई तो खास बात है, ऐसा नहीं है। और मैं तो चोपड़ा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, 10-12 साल के मेरे संबंध हैं चोपड़ा साहब से, 12 साल से मैं 12-13 साल हो गए जो हम जब टच में आए थे वहाँ पे, तो उस टाइम वो काउंसलर थे। और मैं तो दुआ करता हूँ आने वाले टाइम में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने UK के अंदर। और बहुत बढ़िया, इतने बढ़िया, इतने कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स में कहते हैं होनेस्ट, मतलब जो भी मैं उनके लिए शब्द कहूँ वो कम हैं, इतनी तारीफ करूँ उनके लिए वो कम है। वो मतलब इतनी सज्जनता है, और जितने हमारे हिंदुस्तानी हैं वो उनकी हेल्प बहुत इतनी हेल्प करते हैं, जिसका आप ये नहीं है कि किसी का कोई बच्चा वहाँ पढ़ने जाए, किसी का कोई वहाँ पे अपना काम हो तो कोई यहाँ हिंदुस्तान से फ़ोन कर दे। दरअसल क्या, सुनील चोपड़ा दिल्ली से हैं और वो DU के यहाँ पे भी वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं चोपड़ा, तो मेरे भाई हैं चोपड़ा जी, और मैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जब वो मेयर बने थे फर्स्ट टाइम से रख के, तो हमने यहाँ पे क्लब के अंदर, मैंने उनकी एक बहुत बड़ी पार्टी की थी, मैंने खुद ऑर्गेनाइज की थी उस पार्टी, मैं खुद होस्ट था उसमें, और मैंने अपने गाजियाबाद शहर में उनका एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा था यहाँ पे। तो अभी हम चाहेंगे जो हिंदुस्तानी अपने हैं, हमारे दोस्त हैं, वो अभी COVID-19 के बाद हम उनको दिल्ली बुलाएंगे। दिल्ली बुलाने के बाद एक उनका बहुत बड़ा वेलकम करेंगे यहाँ पे, और बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं चोपड़ा साहब को बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और मेरी डेली बातें होती हैं, अभी मेरी 2 घंटे पहले बातें हुई हैं चोपड़ा साहब से, वो करीब ऐसे हैं चोपड़ा साहब जो हम 24 घंटे में एक बार हमसे बात हो जाती है। और ये 10 साल से हमारा कंटिन्यू बहुत बड़ा प्यार बना हुआ चोपड़ा साहब का, और मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है हिंदुस्तानियों के लिए। वो लंदन जैसे इंग्लैंड में, जहाँ जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया हो, आज हमारे जो सुनील चोपड़ा जी हैं वहाँ पर एक इतनी बड़ी उपाधि उनको मिली है, एक पद मिला है उनको। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत धन्यवाद, चोपड़ा साहब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, मेरा भाई आगे बढ़ते रहें चोपड़ा साहब, और आने वाले टाइम पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट UK। जी बिल्कुल।